हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम करने वाले हैं 7.27, जो कि हमारा एनसीईआरटी का है, रोटेशन का चैप्टर का। तो आइए बिना किसी देरी के इस सॉल्यूशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली मैं बोला गया है, प्रूव द रिजल्ट दैट द वेलोसिटी वी ट्रांसलेशन ऑफ अ रोलिंग बॉडी लाइक अ रिंग डिस्क सिलेंडर और स्फीयर एट द बॉटम ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ हाइट एच, यहाँ पे एच मान लो, हाइट एच इज गिवन बाय वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। के रेडियस ऑफ गायरेशन है, आर रेडियस ऑफ बॉडी है, देन द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट द टॉप ऑफ इंक्लाइन प्लेन। तो बेसिकली एक ऐसा इंक्लाइन प्लेन है, मान लो उसका एंगल ऑफ इंक्लेशन थीटा, जिसका हमें कुछ काम नहीं है, और ये कुछ हमारी बॉडी है जिसका मान लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, आई, और आई बराबर एम के स्क्वायर हम लिखते ही है। ये रेडियस ऑफ जायरेशन में आपको पता ही होगा, आई बराबर एम के स्क्वायर हम लिखते ही है। तो अब ये बॉडी धीरे धीरे देखो ऐसे रोल होते 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 एकदम बॉटम मोस्ट पॉइंट पे आ जाएगा। तो अब ये ओमेगा से घूम भी रहा होगा और वी से आगे जा भी रहा होगा। तो अभी हम इसमें सीधा सीधा करने वाले हैं, और ये हाइट हमें एच दी है, और इसमें हम सीधा सीधा क्या लगाने वाले हैं, एनर्जी कंजर्वेशन दोस्तों, एनर्जी कंजर्वेशन। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि इनिशियल तो वो कुछ घूम घूम रहा नहीं है, तो इनिशियल तो वो कुछ घूम घूम रहा नहीं है तो उसका रोटेशन एनर्जी जीरो हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी तो वैसे भी जीरो हो जाएगा क्योंकि रेस्ट पे है। तो इसमें सिर्फ एक ही एनर्जी होगी जो कि होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ एम जी एच, मान लो बॉडी का मास है हमें, तो ये इनिशियल एनर्जी हो जाएगी, एनर्जी इनिशियल, ठीक है। और अभी एनर्जी अगर मैं फाइनल लिखूं, तो देखो दोस्तों ध्यान से इस डायग्राम को घूर घूर के देखो, तो इस डायग्राम में वो नीचे वेलोसिटी वी से भी जा रहा है और ओमेगा से घूम रहा है, तो उसकी रोटेशनल एनर्जी क्या होगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, और ये एम वी स्क्वायर कौन सी, काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल एनर्जी भी आप बोल सकते हो, और इसको हम बोलते हैं रोटेशनल एनर्जी और इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल एनर्जी। और दोस्तों ये प्योर प्योर रोलिंग जैसा ही आपको मानना है, तो इसमें वी बराबर ओमेगा आर होता है, ये आप सबको ध्यान रखना है कि प्योर रोलिंग में वी बराबर ओमेगा आर होता है। तो अभी काइनेटिक एनर्जी फाइनल बराबर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल करना है, तो सीधा सीधा मैं ये एम जी एच बराबर हाफ इंटू आई को मैं क्या लिख दूंगा, एम के स्क्वायर, एम के स्क्वायर। ओमेगा को मैं क्या लिख दूंगा, वी इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर होता है, दोस्तों मैंने गलती कर दी यहाँ पे, वी इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, वी बाय आर, दोस्तों ध्यान रखना, माफ करना ये गलती के लिए, इधर मैं वापस लिख देता हूँ, वी बराबर ओमेगा आर होता है, नॉट ओमेगा बाय आर, वी इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर, तो यहाँ से ओमेगा वी बाय आर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो सब में से एक चीज तो कट गई, मास 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 कट गया, तो इधर क्या आ जाएगा, सिंपली जी एच बराबर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाय टू प्लस हाफ इंटू वी स्क्वायर। तो यहां से मुझे वी स्क्वायर बाय टू भी कॉमन लेना पड़ेगा, तो क्या बचेगा, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस वन इंटू जी एच, तो ये टू जी एच, और ये इधर नीचे ले लेता हूँ, तो यहां से टू जी एच अपॉन वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर। तो हमने ऊपर जो रिजल्ट हमें दिया था, गौर से देखिए दोनों सेम है, सिर्फ हैंडराइटिंग की फॉन्ट अलग अलग है, सिर्फ ये और ये रिजल्ट क्या हमारा सेम आ गया। तो मैंने ये रिजल्ट आपके सामने अभी के अभी इस वीडियो में प्रूफ कर दिया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है और इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, तो दोस्तों जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही नए और अच्छे मजेदार इलस्ट्रेशन के लिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करना जरूर मत भूलना। थैंक यू दोस्तों मेरे वीडियो देखने के लिए।